कभी कभी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसे हम कुदरत का चमत्कार कहते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। यहाँ एक 7 महीने के बच्चे के पेट से ऑपरेशन के जरिए 2 किलो का दूसरा बच्चा निकाला गया है। हालांकि इस भ्रूण में कोई जान नहीं थी। खास बात यह है कि बच्चे के पेट में ये भ्रूण जन्म के बाद बड़ा होना शुरू हुआ था। इस बारे में डॉक्टर डी कुमार ने बताया कि बच्चा प्रतापगढ़ के कुंडा का रहने वाला है। बच्चे के पेट में दर्द की शिकायत होने पर परिजन ओपीडी में लेकर आए थे। बच्चे का पेट काफी ज्यादा फूला हुआ था और उसका वजन 8 किलो हो गया था। उसके पेट की सीटी स्कैन कराई गई, जांच में भ्रूण पता चलते ही बच्चे का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसका वजन अब 6 किलो हो गया है। चिकित्सीय भाषा में इसे फीटस एंड फीटू कहते हैं। देश में करीब 200 ऐसे केस मिले हैं। डॉक्टर डी कुमार ने आगे बताया कि माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण के अंदर ही दूसरा भ्रूण तैयार होने लगता है। 7 महीने के बच्चे मनु का जन्मजात रूप से ही पेट फूला हुआ था। पेट फूलने से उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। बच्चे को भूख भी नहीं लगती थी। उसका वजन लगातार कम हो रहा था। परेशान पिता ने कुछ दिन पहले बच्चे को लेकर लखनऊ के SGPGI में दिखाया, लेकिन पैसों की कमी के चलते बच्चे का इलाज और जांच नहीं हो पाई। वहीं अस्पताल सहित इलाके में इस मामले को जानकर हड़कंप मचा हुआ है। कोई लोग इसे कुदरत का चमत्कार बता रहे हैं तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि चिकित्सा विज्ञान में कभी कभार ऐसे केस देखने को मिल ही जाते हैं। बच्चे का सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर डी कुमार ने बताया कि 7 महीने का बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि मेडिकल की भाषा में हम इसे फीटस इन फीटू कहते हैं, यानी बच्चे के अंदर बच्चा। इस तरह के मामले बहुत रेयर कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया में लगभग 200 केस अब तक सामने आ चुके हैं। फिलहाल बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है और अभी चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। मातृ छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा। पता है RT ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड भूड़, बुलंदशहर।